ऐसा है कि आपके तैमूर पिंगला से प्रतापपुर होते हुए और धर्मपुर होते हुए हाथी का लगातार मूवमेंट बना रहता है। उस हाथी के मूवमेंट में लगातार उनका एक कॉरिडोर टाइप का है और हाथी उस रास्ते पे जाते आते रहते हैं। स्टॉप जो है जाता है, घूमता है, अपनी उस हिसाब से घूमता है। गांव वाले अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगल जाते ही हैं। इसी बीच हमको 11 तारीख को खबर मिली कि एक जो है हाथी जो है मृत पाया गया है। तत्काल में वनमंडलाधिकारी, उसके पहले मेरा स्टाफ, मैं वनमंडलाधिकारी, उप वनमंडलाधिकारी, रेंज अफसर और स्टाफ जाके मौके पे गए। हाथी में काफ़ी बदबू वगैरह भी थी, लेकिन हम लोग पास गए और पास जाके उसको अपन लोगों ने देखा। फिर उसके बाद उसमें ये पाया गया कि हाथी के दोनों दांत निकल गए हैं। अब उसने बताया कि पहले की फेंक दिए हैं, फिर बाद में फिर बोला कि घर में, घर के बाहर जो बाड़ी होती है वहाँ पैरा को छिपा के मैं रखा है। तो फिर कल रात को जब गए 4 बजे तो पैरा से उसने जो है हाथी दांत को निकाल के दिया बूरे से। तो एक हाथी दांत निकाला, फिर उसने दूसरा भी हाथी दांत को निकाल के अपना वो किया। इसमें 3 व्यक्ति परदेसी और जो उसका ससुर है और अभय कुमार और उदित लाल जो ढूमा डांड का है, और ये परदेसी जो है आसनापारा में ही रहते हैं धरोहर के पास। तो इन लोगों ने फिर बताया कि हम लोग गए थे ना और हाथी दांत को हम लोगों ने निकाला। इसमें सिर्फ मैं ये कहूँगा कि विभाग के ऊपर बहुत वो लगता है कि विभाग वाले कार्य नहीं करते, लेकिन वास्तव में विभाग वालों की कड़ी मेहनत और एक एक तथ्य को जुटाने की जो क्षमता है, समय लगता है उस तथ्य को जुटाए। आप सोचिए कि एक शब्द